नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S22 Plus। दोस्तों इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, इसमें एक अपडेट आ चुका है सैमसंग गलेक्सी S20 Plus में, S22 Plus में। तो दोस्तों जो अपडेट आया था वो S20 जो एप सीरीज है पेन एडिशन वाली, उससे बाद में आया था। तो मैंने बताया था कि वो अपडेट लेट आया था, बट दोस्तों अभी एक अपडेट इसमें और आ चुका है, और वो दोस्तों काफ़ी जल्दी आया है, किसी और डिवाइस में नहीं आया। जैसा सैमसंग एस सीरीज में हर बार देता है सबसे पहले, तो उसने फिर से अपडेट दे दिया है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए सैमसंग गलेक्सी S22 Plus जिसमें अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें काफ़ी सारे जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं इनबिल्ट फ़ोन के अंदर, उसमें हमें चेंजेस हो गए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये काफ़ी लोग बोलते हैं चेंज तो हुआ नहीं है कुछ, तो दोस्तों चेंजेस देखने में नहीं होते, जब आप उन एप्लीकेशन का यूज करते हो तब आपको पता लगता है कि हाँ इसमें जो चेंज हुआ है और इसमें जो चेंज हुआ है। तो इसमें देखिए जितने भी एप्लीकेशन हैं इन सब में आपको कुछ ना कुछ अपडेट होकर मिलेगा। और दोस्तों इसका साइज़ की बात करूँ तो ये देखिए साइज़ है इसका 396 MB का, और आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पेच लेवल है वो हो गया 1 अक्टूबर का। अभी दोस्तों अक्टूबर का मंथ चल ही रहा है, फिर भी दोस्तों इसमें 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर मंथ का सिक्योरिटी पेच लेवल दे दिया है। तो सैमसंग की मुझे यही बात अच्छी लगती है कि सैमसंग हमें जल्दी जल्दी अपडेट देता है, पर कभी कभी क्या करता है कि वो लेट हो जाता है, बट हमें अपडेट जो होते हैं वो टाइम पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ये अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से इसे कर लो, क्योंकि आपके फ़ोन में जो छोटे पिछले वाले वो अपडेट हो जाएगा, और जो छोटे मोटे बक्स वगैरह आते हैं नए अपडेट से वो भी फिक्स हो जाएंगे। अब इस अपडेट से जो बक्स आएंगे हल्के फुल्के, वो अब आपको सैमसंग नेक्स्ट अपडेट देगा उससे फिक्स कर देगा। तो अभी तक आपके फ़ोन में जो भी बक्स हैं, चाहे वो बैटरी को लेके आएँ या हीटिंग को लेके आएँ, वो दोस्तों फिक्स कर दिए जाएंगे इस अपडेट को करने के बाद। तो आप इस अपडेट को कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली दोस्तों जो अपडेट आते हैं सिर्फ सिक्योरिटी पेच लेवल को लेके, वो 100 से 150 MB के बीच होते हैं, बट ये 400 MB समथिंग का है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर अलग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस अपडेट में हमें क्या मिलता है और ये अपडेट हमें सैमसंग किस वजह से देता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।